और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। वर्ष 1915 में आज ही के दिन मशहूर लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के हदाली में हुआ था। हदाली अब पाकिस्तान में है। खुशवंत सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक वकील के तौर पर की थी, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नामक साप्ताहिक न्यूज मैगजीन को नई ऊंचाइयां देने में खुशवंत सिंह का बड़ा योगदान था और एक लेखक के तौर पर ट्रेन टू पाकिस्तान उनका यादगार उपन्यास है। खास बात यह है कि चुटकुलों के लोकप्रिय किरदार संता और बंता की रचना भी खुशवंत सिंह ने ही की थी। मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म का 1914 में आज ही के दिन प्रीमियर हुआ था। इस फिल्म का नाम था मेकिंग अ लिविंग। ये 13 मिनट की एक साइलेंट फिल्म थी। 1935 में आज लियोनार्ड कीलर ने पहली बार अपने आविष्कार पॉलीग्राफ मशीन का टेस्ट किया था। इसे लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर, पल्स, सांस लेने की गति और स्किन कंडक्टिविटी जैसे पैमानों को रिकॉर्ड करके झूठ पकड़ने वाली इस मशीन को कई देशों में पूछताछ की प्रक्रिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि पॉलीग्राफ मशीन बनाने वाले लियोनार्ड कीलर शौकिया तौर पर एक मजिशियन यानी जादूगर भी थे। आज कोलंबिया की मशहूर सिंगर और परफॉर्मर शकीरा का जन्मदिन है। 1977 में जन्मी शकीरा दुनिया भर में अपने एल्बम्स की 7 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकने की वजह से दुनिया के बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट में गिनी जाती हैं। 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का उनका सॉन्ग वाका वाका सबसे मशहूर वर्ल्ड कप सॉन्ग्स में से एक था। शकीरा ने 4 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी और ये कविताएं आगे चलकर गानों की शक्ल लेने लगी। 1991 में शकीरा ने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपना डेब्यू एल्बम रिकॉर्ड किया था। और विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर 2004 में आज दुनिया के नंबर एक मेंस सिंगल प्लेयर बन गए थे। खास बात यह है कि रॉजर फेडरर इसके बाद लगातार 237 हफ्तों तक दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बने रहे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और पिछले ही रविवार को उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास हो रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब यही अन्याय और भ्रष्टाचार आपको भी अपना शिकार बना लेगा। नमस्कार।